दिल्ली की केजरीवाल सरकार के स्वच्छ दिल्ली वाहन अभियान के पहले हफ्ते में लोगों का उत्साह बढ़ा है। जी हां, बता दें आपको कि सरकार का इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों पर फोकस देने से बड़ी संख्या में लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों पर स्विच करना शुरू कर दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार के अनुसार इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर स्विच करके पेट्रोल स्कूटर बाइक की तुलना में लगभग 1850 से 1650 की मासिक बचत होगी। पेट्रोल स्कूटर का उपयोग करने की तुलना में लगभग 22,000 रुपए और पेट्रोल बाइक की तुलना में 20,000 रुपए की बचत होगी। RMI इंडिया द्वारा किए गए विश्लेषण में दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी और शीर्ष दो पेट्रोल वाहनों के मूल्य की तुलना की है, लेकिन असली बचत संचालन लागत में है। बता दें कि दिल्ली ईवी नीति की अगस्त 2020 में शुरुआत के बाद से 630 नए ईवी पंजीकृत किए गए हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर स्विच करने से पर्यावरण को प्रमुख लाभ है। तो वहीं बता दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि एक औसत इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर एक पेट्रोल दो पहिया वाहन की तुलना में 1.98 टन कार्बन उत्सर्जन कम करता है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो हमें 1.98 टन CO2 को अवशोषित करने के लिए लगभग 11 पेड़ों की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर स्विच कर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसके साथ ही बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.50 लाख रुपए का डिस्काउंट देगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन भी फ्री कर दिया है। दिल्ली सरकार दो और तीन पहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है। इलेक्ट्रिक कारों में 1.5 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी। वहीं अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या है स्विच दिल्ली अभियान। तो बता दें कि ये अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा एक 8 सप्ताह का जन जागरूकता अभियान है, ताकि प्रत्येक दिल्ली वासी को पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में स्विच करने के फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली में प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से शून्य उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए बताना, प्रोत्साहित करना और प्रेरित करना है। जनतंत्र टीवी से श्रुति की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।